तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं क्रूज़ की शेयर कराने और दिखाते हैं कि क्रूज़ में क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं और आप कब आ सकते हैं, और आपको क्रूज़ के बाहर से मैं इसका ग्लिम्स दूंगा। तो चलिए फिर आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं, द पैनजिम क्रूज़ इन गोवा। Lovely people, welcome back to my channel once again. And this vlog will not be a typical food vlog, but in this vlog मैं आपको गोवा के different places में जो ले जाने की मेरी कोशिश है उसको लेके मैं आज आपको आ चुका हूँ, the Panjim. And just behind me you can see the casino, the floating casinos, the cruise liners. So these are one of the most sought after attraction here in Panjim. So as you can see in front of me, there is this Big Daddy, one of the most popular cruise here in Panjim on Mandovi River. Then we have there the Delton Royal, here the very amazingly looking the King's Casino, and similarly we have there another one, you can see there. So good news for most of you जो कि सोच रहे थे कि अब एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो और हम गोवा जाएं, तो फिर ये भी एक अच्छी खबर है। अब क्रूज़ भी खुल जाने वाली हैं और इनफैक्ट खुल भी चुकी हैं, स्पाज, क्रूज़, द शैक्स, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर ओपन नाउ। सो इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस लाइक प्रीवियस मैनी मैनी ईयर्स जब आप गोवा आते थे और आपको फिर हर चीज़ों का एक लुत्फ उठाना होता था, जैसे कि मैंने बताया शैक्स, बीचेस, क्रूज एंड कैसीनोज, स्पाज एंड एवरीथिंग। सो उसी कड़ी में हम आज आपको लेके आए हैं पैनजिम के इस खूबसूरत मांडोवी रिवर के ऊपर। सो आप में से जो पहले यहाँ पे नहीं आप आए हो पैनजिम में, मैं आपको बता दूँ कि द मोस्ट ऑफ द कैसीनोज इन पैनजिम और ऑल द कैसीनोज इन पैनजिम आर लाइक on these kind of cruise ships, not the biggest one, but these are also massive cruise ships. So इनके ऊपर ही casinos operate होते हैं और आपको एक पैकेज लेके उनके अंदर जाना होता है, और आप फिर उसी पैकेज के अंदर meals, experiences, concerts और बहुत सारी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हो। इनफैक्ट आगे मौका मिलेगा तो मैं आपको एक बार इन casinos के ऊपर भी लेके चलूँगा। So now Big Daddy is just in front of you. For me, that's the most beautifully looking cruise ship on Mandovi River. Uske theek piche aap dekh sakte hain wahan pe Delton Royal and the Casino Majestic Pride. So basically Majestic Pride, Big Daddy and Delton Royal are the very same size, maybe similar size cruise liners with casinos. And this King's Casino, which I have never been to, looks very unique. You can see that very similar to a shape of a fish. So यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एयरपोर्ट से पहले पैनजिम आना होगा, और फिर पैनजिम आने के बाद आपको इन क्रूज लाइनर के वे दे आर ऑल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मांडोवी रिवर, आपको फिर वहाँ पहुँचना होगा। फिर उन्हीं क्रूज लाइनर्स के ऑफिस बने हुए हैं रोड पे ही, सो आप उनसे यू कैन गेट इन टच विद देम एंड विच सो एवर क्रूज यू आर गोइंग टू, यू जस्ट हैव टू by the entry from them, and then at the night at around 9 or 10 they all started operating with very amazing lightings and music and good food. So it will be an amazing experience if you're here in Goa, you want to experience this cruise liner. So jaisa ki main aap sabko ko bata raha tha, aap जब भी गोवा आएँ तो एक बार इनके लिए भी इंक्वायरी करें। इफ़ यू हैव नेवर बीन टू दिस क्रूज लाइनर्स, आई वुड रिकमेंड जस्ट बी वंस एंड एक्सपीरियंस, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू हैव टू गो देयर नेक्स्ट टाइम और नॉट। सो आज के इस ब्लॉग में आज का जो मेरा प्लानिंग था वो था कि फूड ब्लॉग्स के साथ साथ मैं कुछ आपके लिए कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स भी लेके आऊँ, जैसा कि रिकमेंडेशन से आप सबों की तरफ से।
और एक बारी मैंने एक वोटिंग करी थी, हालांकि वोट तो बहुत नहीं आए थे, लेकिन जिन 20-25 वोट्स में से आई जस्ट फाउंड दैट 25% ऑफ यू वॉन्ट मी टू जस्ट डू फूड ब्लॉग्स एंड 75% ऑफ यू वॉन्टेड मी टू डू डेली ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स एंड फूड ब्लॉग्स. सो दिस इज़ द इनिशिएटिव आई हैव टेकन. सो सबसे पहले मैं आपको आज क्रूज लाइनर्स के लिए पैंजिम लेके आया. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू दिस रोड, यू कैन सी बिहाइंड मी. सो ये रोड एक मेन रोड है जो समुंदर के किनारे रन करता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड इन पैंजिम. और इस रोड और ये रहा मांडवी रिवर में सिर्फ यही फ़र्क है. तो आप जब भी एयरपोर्ट से आएंगे, आप इसी रोड पे उस पॉइंट पे कहीं आपको टैक्सी वाले ड्रॉप करेंगे एंड देयर ओनली आर ऑल द ऑफिसेज फॉर ऑल द क्रूज लाइनर्स. सो दिस पार्ट ऑफ पैंजिम सिटी इज़ वेरी प्रिटी, ढेर सारे. सो यू कैन सी द बैरिकेडिंग देयर, सो यू कैन नॉट टेक योर व्हीकल्स और बाइक और एनीथिंग एल्स ऑन दिस पैच. दैट्स वेरी गुड for the administration to keep this area clean. So as the monsoon in Goa is almost over, so and the traffic and the travel season had just begun, so Goa is all set to witness you all here. That only request for you all to just whenever you visit Goa, try to keep Goa clean. Behave properly with all the locals. I know you all behave very well, but don't take things for granted, because we all know this is a place where there's the influence of many things, primarily alcohol. So please drink responsibly, drive responsibly, because jab local Goans aur yahan pe kaam karne wale log jab sadkon pe bahar nikalte hain, to main aisa nahi dekhna chahta ki tourism aur tourist ki wajah se roads pe bahut sari dikkatein aaye. सो उम्मीद करता हूँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गोवा ट्रैवल करेंगे और एक ब्यूटीफुल और बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन का लुत्फ़ उठाएंगे. एंड आई थॉट यू विल लव इट. एंड प्लीज़ इफ यू आर हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू फूड ऑब्वियसली, बट विद दैट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू ट्रैवलिंग टू गोवा, वेयर टू गो, हाउ टू बुक द टिकट्स टू मेनी प्लेसेज, you can just ask me in the comment box and I will help you in all possible manner. And I have shared my email and contact number also, so you can just feel free to get in touch with me for all the travel related queries. So from here at the beautiful Mandovi river and from the most amazing cruises in Panjim, I, Chef Avnish Goswami, signing off. Hope to see you soon in another travel blog. But the food blogs will be coming regularly, so please comment how you like my travel blogs. So thank you so much, take care.